हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? आई थिंक सब लोग बहुत बेहतर हो। आज ये वीडियो में तुम लोग को मिलेगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, जो तुम लोग सोच रहे थे बहुत दिन से कि जादवपुर यूनिवर्सिटी का पीजी एप्लीकेशन कब स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए ऑलरेडी हम लोग लेके आ चुके हैं उसका नोटिफिकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो। इस वीडियो में तुमको मिलेगा दो ही और मिस्टी, नहीं भाई दो ही मिस्टी नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा कि भाई कब एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं एंड एंट्रेंस एग्जाम हो गया कि नहीं, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, कहां से मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो सारे के सारे चीज़ इस वीडियो में मैं कंप्लीटली बताऊंगा। ठीक है, तो चलो यार देखते इस वीडियो को। इसमें एक चीज़ में सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि एंट्रेंस एग्जाम में कितना मार्क्स लाना होगा। बहुत लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो पता चल गया कि भाई अभी तो फॉर्म फिलअप आ चुका है, इस वीडियो को देख के क्या फ़ायदा है। लेकिन फ़ायदा है भाई, क्योंकि मेरी बात मान के मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर अभी जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, कलकत्ता में भी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत लोगों को पता होगा कि मैं पहले से ही जादवपुर के बारे में, कलकत्ता पीजी के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूं, जिससे मतलब बहुत लोगों का बहुत हेल्प हुआ है पहले। ठीक है, इस हिसाब से तुमको ये वीडियो देखना चाहिए, इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि मेरा सक्सेस के बारे में देख के फिर जांच करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे को मैंने बहुत हेल्प किया पीजी में एडमिशन के लिए जादवपुर एंड कलकत्ता में। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे देख के सारे के सारे चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, मतलब मैं देखूंगा एंड यहाँ पे तुमको एक्सप्लेन करूंगा। अगर मैं वही पे लेके जाके दिखाऊंगा तो मतलब उतना ज़्यादा सही नहीं होगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको भाई मैं निगलेक्ट करूंगा। ठीक है, अभी देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एक तारीख, मतलब अगस्त की एक तारीख तक फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट दिया। मैंने पहले ही बोला था कि जुलाई की अंदर ही फॉर्म फिलअप आने का चांसेस है, सो दैट्स व्हाई चल आ गया। ठीक है, तो और दो तारीख तक पेमेंट वगैरह के लिए डेट है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे लॉग इन करके मतलब स्टार्ट भी कर सकते हो। हाउ टू अप्लाई वो भी ऑलरेडी दिया है, मैं बताऊँगा। ठीक है, अभी देखो इंपॉर्टेंट डेट मैं पहले बताना चाहूँगा। ठीक है, एंड हर एक चीज़ तुम वेबसाइट में देख ही सकते हो, मैं फिर भी यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखो पहले तो कि बेंगुली के लिए डे एंड इवनिंग में जो भी एडमिशन लेना चाहते हो उनके लिए डेट है 12 तारीख, मतलब जो डेट एंड टाइम फॉर एडमिशन टेस्ट, मतलब क्या होगा एडमिशन टेस्ट के लिए 12 तारीख जाना पड़ेगा। एंड इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरा वेबसाइट में भी है एंड इधर भी मिल जाएगा आई थिंक, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में होगा। ठीक है, एंड कंपेरेटिव लिटरेचर के लिए 14 तारीख है और 16 तारीख है, पेपर वन पेपर टू के लिए अलग अलग है, इकोनॉमिक्स के लिए 12 तारीख है एंड इंग्लिश के लिए 13 तारीख, 13/8/2024। ठीक है, फिल्म स्टडीज एंड हिस्ट्री के लिए 12-13 तारीख है, हिस्ट्री के लिए 12 तारीख, लिंग्विस्टिक के लिए 14 तारीख, फिलोसफी के लिए 9 तारीख है। ठीक है, एंड पॉलिटिकल साइंस के लिए देख पा रहे हो 9 तारीख है। संस्कृत जो डे एंड इवनिंग, मतलब क्या होता है जादवपुर में डे में भी अप्लाई कर सकते हो, इवनिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, मतलब दो टाइम पे तुम पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इसमें ना एक्चुअली होता क्या है, डे में तुमको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है और कम टाइम देना पड़ता है, लेकिन इवनिंग में तुमको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे कि 2 साल के जगह 3 साल हो सकता है, इस टाइप का नॉलेज है, जैसे कि मैंने देखा था मैथमेटिक्स में भी इस टाइप का है। ठीक है, ऐसे करना पड़ता। तो देखो अब मैं क्या बोलने वाला हूँ कि जो सोशियोलॉजी के बारे में है वो 9 तारीख है, तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम है। ठीक है, अभी देखो मेरिट लिस्ट कब आएगा, अगस्त की लास्ट में तो मेरिट लिस्ट आ जाता है। अभी जो इंपॉर्टेंट है कि भाई हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जादवपुर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, सो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग सोच रहे थे कि एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप चला गया क्या, ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ऐसे सब्सक्राइबर मतलब गेन कर लिए यार व्यूज के लिए, ऐसे लोग बना देते हैं कि भाई ऑलरेडी मतलब कंप्लीट हो गया था, थंबनेल में देके रखते हैं और मैं भी थोड़ा सा रखता हूँ ऐसा टाइप का, लेकिन पूरा नहीं, क्लिकबेट तो थोड़ा बहुत सब लोग ही करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि करना पड़ता है यार पीजी का। एक मतलब स्टूडेंट ने मेरे को बोल रहा था, सर अभी तक तो वीडियो मतलब पीजी के लिए नोटिफिकेशन आया नहीं, आप क्यों वीडियो बना रहे हो यार? फिर भी ना तुम लोग को बताने के लिए बनाना पड़ता है, बहुत लोग ऐसे सोचता है लेकिन बनाना पड़ता है यार, क्या ही करे। अभी देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल के मैं तुम्हारा दिमाग नहीं खा सक मतलब खाना नहीं चाहता फिर। ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑनर्स पेपर्स के लिए नॉन सीबीएसई सिस्टम है और सीबीएसई सिस्टम भी है। ठीक है, मिनिमम क्राइटेरिया देखा जाए जैसे कि 60% होना चाहिए और 45% फॉर अदर्स पर्सन, तो मिनिमम मान के चलो कि 60% एवरेज लाइक कोई भी सब्जेक्ट में हो तो तुम एलिजिबल हो, इतना मान सकते हो। ठीक है, लेकिन अलग अलग है, 55% के ऊपर भी एडमिशन होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, 55% के ऊपर भी मतलब पॉसिबल है। एंड सीट कैपेसिटी वो भी ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि सीट कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है, एकदम बहुत बुरा नहीं है, अच्छा है। ठीक है, अभी मैंने तो डेट भी बता दिया। अभी देखो क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, थोड़ा सा मैं तो क्वेश्चन के बारे में बोल देता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी वेबसाइट में तो मिल जाता है, काफ़ी मिल जाता है। ठीक है, फिर भी कुछ क्वेश्चन पेपर मतलब पूरा तो अच्छे से नहीं मिलता है, फिर भी मैं ऐसे कुछ दिखाना चाहूँगा तुम लोगों को तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने दो मेरे को। जैसे कि बहुत सारे मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मेंशन है जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
रुक जाओ, मैं तुमको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे देख पा रहा हूँ सोशोलॉजी भी देख पा रहा हूँ। तो सोशोलॉजी ओपन किया मतलब मान के चलो यहाँ पे सोशोलॉजी नहीं, ऐसे हिस्ट्री को ओपन कर रहा हूँ, नहीं तो इकोनॉमिक्स करके हिस्ट्री को ओपन कर रहा हूँ। अब हिस्ट्री में ओपन कर लिया तो यहाँ पे ना ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि मॉडल क्वेश्चन पेपर, जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी BLV के लिए भी मॉडल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका है, तो इस हिसाब से ये लोग भी लेके आ चुका है। फुल मार्क्स 50 है एंड 1 आवर का एग्जाम होता है। इसमें देखो मतलब क्या होता है कि भाई तुमको राइट योर नेम, एप्लीकेशन नंबर एंड एग्जामिनेशन रोल नंबर ऑन द टॉप ऑफ वन लिए, सो ऐसे मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया है। एंड यहाँ पे देखो क्वेश्चन वगैरह ऑलरेडी मेंशन है, जैसे कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मोस्टली तो MCQ आता है। एंड जो पैटर्न होता है वो होता है कि 50 क्वेश्चन और 2 मार्क्स करके तो 100 मार्क्स होता है, तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और कभी कभी 1 घंटा और नहीं तो 2 घंटा भी मिलता है, डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो ऐसे ही करके मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए ऐसा होता है, जैसे मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री हर एक के लिए। लेकिन अभी तो मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए मतलब PG के लिए जो भी आर्ट्स बैकग्राउंड है उसके लिए दिया है, साइंस बैकग्राउंड के लिए अभी तक नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आने का चांसेस है। एंड MLIB एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, जैसे कि मास्टर्स करना चाहते कोई भी और MEd करना चाहते हैं उनके लिए भी फॉर्म फिलअप चल रहा है, मतलब वो लोग ऑलरेडी स्टार्ट है। और सॉरी यार मतलब ये खत्म हो गया क्या, 28/7 सॉरी ख़त्म नहीं हुआ, ये जो MLIS है ठीक है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस करना चाहते हो उन लोगों के लिए 28 तारीख लास्ट डेट है ठीक है, और जल्दी जल्दी फॉर्म फिलअप कर लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि आज 19 तारीख है। सो दैट्स द लाइक इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जादवपुर के लिए तो मैंने बता दिया अभी क्या क्या करना है। अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह जब करोगे, पहले क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा तुम्हारा कम्प्लीटली ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करने का सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएगा ठीक है। और ये है सारे के सारे एक्सटर्नल मतलब स्टूडेंट के लिए, नॉट फॉर लाइक इंटरनल स्टूडेंट, यहाँ पे पूरा के पूरा एक्सटर्नल एप्लीकेंट के लिए दिया है ठीक है। अभी क्लिक करने के बाद नीचे जाके जब लॉगिन करोगे, पहले तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि नया हो तुम लोग ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही तुम आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हो। पहले क्या करना, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड उसके बाद लॉगिन करके तुम पूरा के पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एंड यहाँ पे 4 सब्जेक्ट लिया जाता है, जो बहुत लोग पूछते हो कि मेरे को कि यहाँ पे कितना सब्जेक्ट होता है, तो बेसिकली 4 सब्जेक्ट के ऊपर ही मार्क्स जो कैलकुलेट होता है ना, हाउ टू कैलकुलेट द मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे चैट देकर रखा है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। नॉन CBSE के लिए क्या लिखा है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल मार्क्स ऑब्टेंड इन ऑनर्स पेपर ओनली, मतलब ऑनर्स पेपर में नॉन CBSE के लिए वही लेना पड़ेगा, वही एग्रीगेट लेना पड़ेगा ठीक है। एग्रीगेट मतलब 6 सब्जेक्ट हुआ तो 6 से डिवाइड करो, दैट्स इट ओके। कोर पेपर एंड DSE पेपर ओनली मतलब CBSE सिस्टम के लिए, और WBCHS के लिए बेस्ट 4 सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उस हिसाब से 400 के अंदर कितना मिला वो देखना पड़ेगा ठीक है। एंड सेंट्रल बोर्ड एंड काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट मतलब CISC के लिए, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट जो CISC बोर्ड होते हैं उनके लिए भी सेम चीज़ मतलब बेस्ट 4 तुमको लेना पड़ेगा ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्टेन इन क्लास टेन भी देखना पड़ेगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा, बाकी तो 4 सब्जेक्ट ही लिया जाता है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड इसके साथ साथ और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हो और एग्जाम के लिए थोड़ा सा मतलब सीरियसली पढ़ोगे तो बेहतर होगा, हमारा जो वेबसाइट है मतलब सॉरी नीचे जाके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लिंक है उसमें आई गेस बंगाली एंड इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से मेंशन है, बाकी तो UG के लिए था तो अभी वो चीज़ देख सकते हो जाके, थोड़ा सा पेमेंट करके तुमको लेना पड़ेगा। एंड मोस्टली तो यहाँ पे भी ऑलरेडी वेबसाइट में है तो उसको भी देख सकते हो, आसानी से अप्लाई करके अच्छे से पढ़ाई करोगे देन मतलब कट ऑफ मार्क्स करीब 50 में तुमने 30 भी सॉल्व कर लिया ना तो बहुत अच्छा है और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा गारंटी। एंड इसमें क्या करते हैं लोग मतलब एंट्रेंस की मार्क्स एंड तुम्हारा जो मार्क्स था UG का वो दोनों को देखते हुए ही तुम्हारा सिलेक्शन बनता है, जैसे कि GMR रैंक बनता है ठीक है, जनरल मेरिट रैंक बनता है, उसके हिसाब से SC ST OBC एंड दोनों सब के देखने के बाद ही तुमको मतलब एडमिशन वगैरह होता है ठीक है। तो इतना ही था, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा, लव यू ऑल, एंड फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।